गाइस कैसे हैं आप सब। अगर आप भी डिलीवरी के बाद बड़े हुए पेट को अपने कम करना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी एक्सरसाइजेस लेकर आई हूं। स्पेशली आपका जो बेली फैट आफ्टर डिलीवरी के बाद जो बढ़ जाता है और उसको हम कम करने के बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं और उस टाइम पे हम बहुत हैवी एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते, राइट? तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, लेकिन अगर आप इनको रेगुलर अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने अंदर विजिबल रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट जो लोग बहुत ज़्यादा लेजी हैं या जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है या एज ज़्यादा है, वो भी अपने जो बड़े हुए टमी उसको फ्लैटन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको ये एक्सरसाइज फॉलो करनी चाहिए। बॉयज़ एंड गर्ल्स, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान तक इसको फॉलो कर सकते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा अगर इतनी ज्यादा पसंद आ जाए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, @ishramehra। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको मैट ले लेना है और कोई भी अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लेने हैं, ठीक है? उसके बाद आपने अपनी दोनों लेग्स को इस तरीके से ऊपर इस पोजीशन में रखना है, अपसाइड में। देन उसके बाद आपको वन लेग को डाउन लेके जाना है, देन अप, देन अदर लेग को डाउन, देन अप। तो इस तरीके से आपने करना है इसको 20 टाइम्स और इसके आपको करने हैं कम से कम 5 सेट, ठीक है? जब आप अपनी लेग को ऊपर लेकर आएंगे तो ब्रीथ आउट, जब नीचे लेकर जाएंगे तो ब्रीथ इन, ओके? तो चलिए हम इसको फॉलो करते हैं। करेक्ट पोजीशन देखिएगा, ये आप जितनी भी एक्सरसाइजेस करेंगे टमी की, आपको टमी को एकदम स्क्वीज करके रखना है, आपको अपनी मसल को स्ट्रेच करके रखना है, ठीक है? ताकि आपके उस मसल पे लोड आए और वहां का फैट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। यहां पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसके लिए आपने इस तरीके से हथेलियों को मैट पे प्लेस करना है, अपने पंजों पर आ जाना है और हमने वन हैंड से अपनी अदर साइड यानी ऑपोजिट साइड के नी को टच करना है, लाइक दिस, ठीक है? इसको हमें करना है 20 बार और इसके करने हैं हमें 4 सेट। 4 सेट मतलब 20 बार आप करेंगे, ऐसे उसको 4 टाइम्स रिपीट करेंगे, ठीक है? इसमें आप नॉर्मल ब्रीथ लेते रहिए, अपने कोर को अपने पेट को बिल्कुल टाइट करके रखिए, एंगेज करके रखिए, अंदर बिल्कुल टक करके रखिए अपने टमी को। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए वही सेम प्रोसेस कि आपने टमी को आप देख रहे हैं बिल्कुल अंदर स्क्वीज करके रखा हुआ है मैंने, आप नोटिस करिए, मैं अपनी सांस नहीं रोक रही हूँ लेकिन अब टमी को मैंने बिल्कुल स्क्वीज करके रखा हुआ है। जितना आप स्क्वीज करके रखेंगे अपने टमी को किसी भी एक्सरसाइज के लिए तो आपके उस एरिया पे बहुत अच्छा लोड आएगा, ठीक है? बिल्कुल अंदर टक करके रखना है, दबा कर पिचका कर अपने पेट को। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने दोनों लेग्स को इस तरीके से ऊपर रखना है और आपने वन लेग डाउन करना है, देन अदर, वही सेम 20 बार और इसके हमें करने हैं कम से कम 4 सेट, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We'll be right back.
यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस तरीके से अपनी लेग्स को फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद अपने हैंड्स को ऐसे बैक साइड पे लेकर जाइए और आपने अब हाफ क्रंचेस करने हैं, ठीक है। इसके लिए आपको ब्रीथ आउट ऊपर आते टाइम और ब्रीथ इन नीचे जाते टाइम, ठीक है, ऐसा आपको 20 बार करना है। और अपने पेट को सेम प्रोसेस बिल्कुल खींच के रखना। आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल अंदर दबा रखा है, अपने पेट को बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल आपने जितना हो सके मैक्सिमम आपको उतना प्रेस करना है। तो 20 टाइम्स करना है और इसके करने हैं 4 सेट्स। ऊपर आते टाइम ब्रीथ आउट, नीचे आते टाइम ब्रीथ इन। यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से अपने हैंड्स को बैक साइड पे लेके जाना है और अपनी एक नी को बेंड करते हुए हमें साइड ऑपोजिट साइड लेकर जाना है, देन डाउन लेग को, फिर हमें अपनी लेफ्ट एल्बो से राइट नी को टच करना है, देन बैक साइड अगेन, फिर राइट एल्बो से हम अपने लेफ्ट नी को टच करेंगे और इस पूरे प्रोसेस को हम करेंगे 20 टाइम्स और इसके करेंगे हम 4 सेट्स। मेक श्योर हर एक्सरसाइज में, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको अपने पेट को स्क्वीज करके रखना है। जो आप लोग बोलते हैं बेली पे इफेक्ट नहीं आ रहा, अगर आप अपने बेली को एंगेज करके नहीं रखेंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा। और जब आप ऐसे टच करेंगे तो आपने ब्रीथ इन करना है, नीचे जाते टाइम आपने ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथिंग मस्ट है जो आपके मसल को जल्दी टोन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वर्कआउट। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से मैट पे पीठ के बल लेट जाना है और आपने अपने लेग्स को स्ट्रेट करते हुए जस्ट ऐसे हल्का स्लाइटली सा डाउन अप, मेक श्योर कि जो आपकी लेग्स हैं वो आपके मैट से या आपकी जो जमीन है उससे टच नहीं होंगी। आपने ऐसे ही जस्ट ऊपर रखते हुए डाउन अप करना है। जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपके टमी पर हद से ज़्यादा लोड पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप अपने डिलीवरी के बाद के पेट को कम करना चाहते हैं तो आपको खुद इसके अंदर चेंजेस नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर वर्कआउट, ठीक है। और जब आप ऊपर लेकर आएंगे तो ब्रीथ इन, नीचे लेकर जाएंगे लेग को, ठीक है, तो ब्रीथ आउट, सेम प्रोसेस। टमी को आपने टक करके रखना है, कोर को एंगेज करके रखना है। तो चलिए 20 टाइम्स इसको रिपीट करना है इस प्रोसेस को और हम इसके करेंगे 4 सेट्स। रिलैक्स हो जाइए, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ के बल मैट पे ले जाइए और आप मेरी लेग्स को जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगी सेम एज इट इज आपने फॉलो करना है। अपनी दोनों लेग्स को आपने ऐसे पीछे लेकर आना है, फिर ऊपर, देन डाउन, फिर आप, फिर अपसाइड प्रॉपर, देन डाउन, और मैट पे ना टच करते हुए इस प्रोसेस को आपको 20 टाइम्स करना है। और आपने अपने टमी को एकदम टक करके रखना है, कोर को एंगेज करना है। जब आपने लेग्स को ऊपर लेकर आएंगे तो आपने अपनी ब्रीथ को होल्ड करना है,
एंड देन जब आप पूरा ऊपर से डाउन जाएंगे तो आपने ब्रीथ आउट करना है, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स होके अपने नेक की मसल पर आपने बिल्कुल स्ट्रेच नहीं डालना। बहुत सारे लोग टमी के एक्सरसाइजेस में अपने नेक पर लोड डालते हैं जैसे उनको सर्वाइकल हो जाता है, तो नेक पे लोड नहीं डालना, हमने पूरा का पूरा लोड टमी पे डालना है। तो मेक श्योर आप इसको बिल्कुल कंफर्ट वे में करें। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो गाइज यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है बेहतरीन वाली एक्सरसाइजेस, जिनको आप फॉलो करके आफ्टर डिलीवरी वाला जो बड़ा हुआ पेट है उसको खत्म कर सकते हैं, और नॉट फॉर ये डिलीवरी पेट के लिए है। तो गाइज मेक श्योर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने ओवरऑल बॉडी वेट को कम करना चाहते हैं या फिर बेली को, तो उसका एकमात्र सोल्यूशन है वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के लिए आपने 15 मिनट रोजाना देने हैं और हेल्दी डाइट इनटेक करनी है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हेल्दी डाइट का मतलब ये है, सबसे पहले आप बाहर के खाने को बिल्कुल भूल जाइए, तभी आपका टमी जो है, जो महाराज बाहर आए हुए हैं वो अंदर जाएंगे। और स्पेशली आप इसके साथ साथ अपनी डाइट में से शुगर और सॉल्ट को ख़त्म कर दें, फ्राइड फूड ख़त्म कर दें। अगर आप इन चीज़ों को कम करेंगे तो डेफिनेटली आपका टारगेट अचीव हो पाएगा, ठीक है। और खूब सारा पानी पिएं, और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि स्ट्रेस सबसे बड़ा रीज़न है बेली को फुलाने का और ओवरऑल बॉडी वेट को बढ़ने का। तो हमेशा खुश रहें, ऐसी बहुत सारा प्यार मुझे देते रहें। बहुत सारा प्यार देने के लिए कमेंट करो भर भर के, और शेयर करो यार, और लाइक का बटन प्रेस करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।